तो वेलकम दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक JCC पर। आज हम आपके लेके आए हैं एक और नई सीरीज। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक CSS के बारे में। आज एक नई लिस्ट की स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं CSS के बारे में कि CSS क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर आपने CSS को स्टडी करना है तो उसके पहले आपको HTML की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब डीप, अगर आपको डीप नॉलेज भी तो नहीं, डीप नॉलेज अगर नहीं भी है तो आपको नॉर्मल HTML आना चाहिए। अगर आप HTML के बिना CSS सीखने जाओगे तो आपको प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी। ये नहीं कि आप सीख नहीं पाओगे, पर आपको प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ेगी। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आप CSS सीखना चाहते हो इससे पहले आपको HTML आना चाहिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आ रहे हो और आपको HTML नहीं आता तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके तो आप वहाँ से HTML की वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपका HTML का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आप CSS स्टार्ट कर लेना। ठीक है, चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। CSS क्या होता है? CSS आपको सिंपल भाषा में बता दूँ कि CSS क्यों यूज़ किया जाता है। CSS HTML पेज को सोना अच्छा बना लो, मतलब लुकिंग गुड बनाने के लिए, उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए, कि उसकी लुकिंग अच्छी हो। HTML के पेज को हमें HTML पेज की लुकिंग अच्छी बनाने के लिए, उसकी गुड लुकिंग बनाने के लिए HTML की, तो हम क्या यूज़ करते हैं? CSS यूज़ करते हैं कि आपका जो हमारा HTML का पेज है वो बढ़िया दिसे और उसमें उसकी जो लुकिंग गुड हो, उस पर जो हमारा विजिटर है उसको अच्छा दिसे। ठीक है, तो उसको गुड लुकिंग करने के लिए, उसको बढ़िया बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? CSS यूज़ करते हैं कि HTML के पेज को बढ़िया बनाने के लिए, उसकी गुड लुकिंग करने के लिए HTML के पेज को हम क्या यूज़ करते हैं? CSS यूज़ करते हैं। CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? जी आपको मालूम ही है, CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल। जी ठीक है, CSS डिस्क्राइब द हाउ HTML एलिमेंट्स टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ये डिस्क्राइब करता है, बताता है कि HTML के पेज को कैसे डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे, पेपर और अदर मीडिया, किसी और मीडिया पे, कहीं पे भी। CSS सेव द लॉट ऑफ वर्क। हमें जो CSS है कि हमारा बहुत सा काम बचाता है, इस तरह से हमारा टाइम भी सेव होता है, हमारा काम भी सेव होता है। ठीक है, हमारी जो मेहनत करते हैं हार्डवर्किंग, उसमें भी हमें इससे हमें थोड़ी कम करनी पड़ती है और हमें आउटपुट ज़्यादा मिलती है और हमें इनपुट कम करनी पड़ती है, जिस तरह हमारा टाइम और मेहनत सब कुछ सेव होता है। इट कैन कंट्रोल द लॉट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस इन वंस। आप इससे CSS से बहुत सारे वेब पेज को एक साथ से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, यूजिंग द वंस एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी। जी अब आगे जाके बताएंगे एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या होती है। ठीक है, ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो हमने ले रखा है। अब इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझा पाएंगे जी कि CSS कैसे काम करती है। ठीक है, चलो प्रोग्राम देख लेते हैं। सिंपल सा प्रोग्राम को कहाँ से शुरू करना, प्रोग्राम को हमें बॉडी पहले ढूंढनी पड़ेगी, बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जी हमारी बॉडी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, उसके बाद पी पैराग्राफ टैग हेलो वर्ल्ड दिस इज पैराग्राफ स्टाइल शीट CSS। ठीक है जी, ऐसे प्रिंट हो जाएगा। जो CSS होगा, CSS कहाँ पे लिखा होगा? CSS स्टाइल टैग में लिखा होगा। कहाँ, किस टैग में लिखा होगा? स्टाइल टैग में। ठीक है, जो स्टाइल टैग में लिखा होगा वो क्या होगा? CSS होगा। ठीक है, पी हमारा क्या है? पी हमारा एक सिलेक्टर है। क्या है? पी हमारा एक सिलेक्टर है। सिलेक्टर भी आगे जाके पढ़ेंगे कि सिलेक्टर कौन कौन से होते हैं, आप सिंपल से देख लो। ठीक है, पी हमारा क्या सिलेक्टर है कि जो भी पी पैराग्राफ टैग के बीच में हम लिखेंगे उसका जो उसमें कंटेंट होगा पी टैग में, उसका कलर क्या होगा? रेड होगा। ठीक है, जो हमारा जो स्क्रीन पे प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड, जब अपनी स्क्रीन पे वर्ल्ड प्रिंट होगा तो उसका कलर कौन सा आएगा? रेड, क्योंकि हमने पी सिलेक्टर में दे रखा है कलर रेड। कलर रेड किसका? कंटेंट का, इसका हेलो वर्ल्ड का रेड होगा। ठीक है, जो उसके बाद हमने आगे HTML में क्या देखते थे कि हम इक्वल टू लगाते हैं। ठीक है, कलर्स इक्वल टू रेड लिखते थे, पर आप अगर CSS में जब काम करोगे वहाँ पर इक्वल टू नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? कॉलन लिखोगे। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट काफ़ी गलती करते हो। ठीक है, कि कलर हमने वहाँ के लिखना रेड कलर ये कॉलम उसके बाद रेड। ठीक है, उसके बाद जो भी हम उसकी वैल्यू दे रहे हैं, कलर हमारी क्या है? प्रॉपर्टी है। रेड हमारी क्या है? वैल्यू है। उसके बाद इसको सेमी कॉलन बोलते हैं, इसको सेमी कॉलन भी बोलते हैं, इसको टर्मिनेट भी कहते हैं कि टर्मिनेट की लाइन का एंड हो गया, कि कलर जे वाली हमारी जो प्रॉपर्टी थी इसका हमने एंड कर दिया। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कि जो भी हमारा जे होगा हेलो वर्ल्ड होगा वो क्या होगा? वो लाइन में स्क्रीन के सेंटर में आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने पैराग्राफ टैग लिखा। ठीक है, पैराग्राफ टैग लिखा, उसके बाद जो भी ये लिखा दिस पैराग्राफ आर स्टाइल्ड विद CSS, कि ये पैराग्राफ को हमने कहा स्टाइल्स कैसे किया है? CSS से किया है। ठीक है, पी हमारा क्या है? जी देख लेना थोड़ा सा, पी हमारा क्या है? एक सिलेक्टर है।
ठीक है। और कलर क्या है हमारी प्रॉपर्टी है, रेड हमारी क्या है प्रॉपर्टी वैल्यू, इसको वैल्यू भी बोल सकते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू भी बोल सकते हैं। टेक्स्ट लाइन क्या है, टेक्स्ट लाइन हमारी प्रॉपर्टी है और सेंटर हमारी क्या है प्रॉपर्टी वैल्यू है, ठीक है। तो जिस तरह से हम इस किसी CSS को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसकी तरह CSS होती कितनी प्रकार की हैं, जो CSS होती है वो तीन तरह की होती हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। हम स्टेप बाय स्टेप हम इसके तीनों की प्रोग्राम देखते हैं। चलो हम प्रोग्राम पे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS क्या होती है, जो नाम से क्लियर है इनलाइन CSS वो होती है जो एक लाइन में लिखी जाए, जो एक लाइन में लिखी जाए उसको क्या बोलते हैं, इनलाइन CSS, ठीक है। जैसे हमने जे दिया H1 और स्टाइल, जब स्टाइल लिखा तो CSS हमारी स्टार्ट होगी, क्लियर बात है, दिमाग में बैठा लेना। जब स्टाइल शुरू हो गया, स्टाइल के बीच हमारा क्या हो गया, हमारी CSS शुरू हो गई, ठीक है। उसके बाद कलर रेड, टेक्स्ट लाइन सेंटर, जे हमारा जो दिस इज द हेडिंग, जे क्या आएगा, एक तो इसका कलर क्या आएगा, सॉरी कलर क्या आएगा, ब्लू आएगा, कलर ब्लू, टेक्स्ट लाइन सेंटर, दिस इज द हेडिंग का कलर क्या ब्लू आएगा और अलाइनमेंट सेंटर आएगी। और पी के स्टाइल में देखो क्या किया हमने, पी के स्टाइल में कलर को रेड कर दिया और कुछ नहीं। इसकी आउटपुट देखते हैं हम क्या आती है, जे देखो टेक्स्ट लाइन हमारा सेंटर आ रहा है इसका, ठीक है, टेक्स्ट लाइन हमारा सेंटर आ रहा है। उस पी का टैग का हमने क्या किया सी, पी जो हमारा पी पैराग्राफ टैग है उसमें क्या दिया हमने, उसको सिर्फ हमने कलर दिया, कलर क्या दिया, रेड दिया, तो हमारा क्या जे हमारा रेड आ रहा है, ठीक है, जे रेड आ रहा है उसका जो कंटेंट है, और जो हेडिंग का कंटेंट है वो ब्लू आ रहा है। जे तो हमारा था इनलाइन CSS, ठीक है जी। इसमें मेरे हिसाब से आपको समझ लग गया होना चाहिए कि सिंपल है CSS, जब एक लाइन में हम कोड देते हैं तो उसको हम इनलाइन CSS बोलते हैं। टेक्स्ट लाइन से एंटर कर दिया, कलर ब्लू इसका, और पी का हमें कलर का रेड कर दिया। H1 और पी हमारा क्या सिलेक्टर है, इसको एलिमेंट सिलेक्टर बोलते हैं, ठीक है। पी H1 भी हमारा एलिमेंट सिलेक्टर है, पी भी हमारा एलिमेंट सिलेक्टर है। आगे जाके हम जब सिलेक्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको डीप में बताएंगे कि H1 सिलेक्टर क्या होता है, पी क्या होता है, एलिमेंट सिलेक्टर, ID सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जाके अभी इस पे मत सोचना जी क्या है, ठीक है। ये तो हमारा इनलाइन CSS हो गया, जो एक लाइन में कोड देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनल CSS, जी हमारी इंटरनल CSS, ठीक है। इनलाइन में एक लाइन है, इंटरनल क्या होता है, इंटरनल की जब हेडिंग के बीच देते हैं, जैसे क्या हमने क्या दिया, हेडिंग के बीच दिया, बॉडी के बॉडी, बॉडी एक हमारा बॉडी टैग है, एलिमेंट सेलेक्टर है, इसकी बैकग्राउंड हमने क्या कर दी, येलो कर दी, H1 की कलर हमने फॉन्ट का जो कलर है, जो कंटेंट का कलर उसका मैरून, और उसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, और स्टाइल को क्लोज कर दिया। इस स्टाइल को लिखना कहाँ है, स्टाइल को हेड के टैग के बीच में लिखना, कहाँ पे लिखना है, हेड टैग के बीच में, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जब स्टाइल के बीच में क्या होगा, स्टाइल के बीच में हमारी CSS होगी, तो H1 टैग जो हमारा जे वाला टैग है, जे वाला कंटेंट है, इस पे क्या होगा, जे एक तो जे इसका कलर मैरून होगा और टेक्स्ट लाइन सेंटर होगी, ठीक है। पी ग्राफ जो हमारा पी है, पी एलिमेंट सेलेक्टर है, जो पी टैग है हमारा, इस पे हमने कोई भी CSS अप्लाई नहीं की, ये नॉर्मल दिस इज अ पैराग्राफ आ गया, ठीक है। उसके बाद जो बॉडी है, बॉडी की बैकग्राउंड क्या आएगी, जेलो होगी, इसकी पूरी बॉडी की बैकग्राउंड कौन सी आएगी, जेलो आएगी, ठीक है। जेलो देखते हैं इसकी आउटपुट, हाँ इंटरनल आ गया जी, देखो बॉडी आ रही, जेलो आ रही है, ठीक है। उसके बाद जेलो आ रही है, तो उसके बाद हमने क्या किया, टेक्स्ट लाइन के H1 का कलर मैरून, ये देखो H1 का कलर मैरून आ रहा है, ठीक है। जो भी हम जो रेड येलो ग्रीन जो देंगे वो आपके प्रिंट होगा, दिस इज द हेडिंग, जो येलो आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है, तो इसके बाद हमने क्या किया, टेक्स्ट अलाइन राइट किया। जब टेक्स्ट अलाइन राइट किया तो कंटेंट हमारा कहाँ पे चला गया, राइट साइड पे चला गया, ठीक है। उसके बाद हमने पी टैग दिया, पी तो हमने नॉर्मल दिया, दिस इज अ पैराग्राफ, इस पे कोई भी CSS अप्लाई नहीं की, तो इस तरह से जो हमारी CSS नॉर्मली, सॉरी जो दिस इज अ पैराग्राफ नॉर्मल ही प्रिंट हो रहा है स्क्रीन पे, वेब पेज पे, तो इस पे कोई भी हमने CSS अप्लाई नहीं कर रखी, ठीक है। जो ये तो था हमारा इंटरनल CSS की, जब हेड के बीच में, हेड के हम हेड टैग के बीच में स्टाइल के थ्रू CSS लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल CSS, ठीक है। जब एक लाइन में CSS लिखते हैं, बॉडी के बीच एक लाइन में CSS लिखते हैं, उसको बोलते हैं इनलाइन CSS, ठीक है। ये तो इनलाइन थी और इंटरनल थी। आप बात करेंगे एक्सटर्नल CSS की, एक्सटर्नल CSS क्या होती है, एक्सटर्नल CSS क्या जो होती है कि जो देखो इंटरनल और इनलाइन में हमने उसी प्रोग्राम में, उसी HTML प्रोग्राम में, ठीक है। एक बात और कि जो हमारे जो प्रोग्राम होते हैं इसको सेम HTML एक्सटेंशन देके ही करना है, ठीक है, और कोई एक्सटेंशन नहीं देनी। जब CSS भी करते हैं, CSS के प्रो इंटरनल हो इनलाइन हो, इसको एक्सटेंशन कौन सी देके सेव करनी है, जैसे पहले हमने HTML प्रोग्राम को सेव किया था वैसे ही हमने HTML एक्सटेंशन देके इसको सेव करना है, ठीक है। इंटरनल इनलाइन में हमने सेम प्रोग्राम में हम देते हैं CSS का कोड, ठीक है,
है। इनलाइन में भी देखो सेम प्रोग्राम में कोड दिया और इंटरनल में भी हमने सेम प्रोग्राम में कोड दिया। जो एक्सटर्नल एचटीएमएल में होता है, एक्सटर्नल एचटीएमएल ये होता है कि जो हमारा जो सीएसएस की फाइल होती है वो अलग से पड़ी होती है, ठीक है। जो एचटीएमएल का प्रोग्राम होता है वो अलग से पड़ा होता है। हमने सीएसएस के कोड को, सीएसएस के प्रोग्राम को अपने एचटीएमएल में कैसे ऐड करना वो देखते हैं, ठीक है। पहले एक बार कि हमने अलग से एक सीएसएस बना रखी है, ठीक है, बॉडी की बैकग्राउंड लाइट जो हमने जहाँ पे कोड दिया था, जो सीएसएस में कोड देते हैं वैसे ही कोड दे देना, बॉडी बैकग्राउंड लाइट ब्लू और एच वन का हमने कलर दे दिया नेवी, ठीक है। जो एच वन का कंटेंट है वो नेवी होगा और बॉडी का हमने बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू दे दिया। इसकी आउटपुट भी दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है, एक मिनट वेट करना, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, बस जब जब इसको ऐड करना है अपने एचटीएमएल में ऐड करना है, वो कैसे ऐड करना है, हेड टैग के बीच सबसे पहले लिंक टैग लिखना है। कौन सा टैग लिखना है, लिंक, उसके बाद रिलेशन, रिलेशन लिखना है स्टाइल शीट, ये लिखना जरूरी है, ठीक है, रिलेशन स्टाइल शीट और एच रेफरेंस। एच रेफरेंस का नाम क्या है, जो भी आपकी फाइल का नेम है, इस फाइल का नाम क्या रखा है हमने, जे देखो जिस फाइल का नाम रखा है माई स्टाइल डॉट सी एस, इसका नाम जो मर्जी रख सकते हो, माई स्टाइल, स्टाइल डॉट सी एस, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो कि आपको सूटेबल लगता है वो इसका नाम दे सकते हो। डॉट सी एस एस आपको देना ही पड़ेगा। डॉट सी एस एस क्या है, इसकी एक्सटेंशन है, वो आपको देनी ही पड़ेगी। तो डॉट सी एस एस हमने माई स्टाइल हमारी फाइल का नेम है और डॉट सी एस एस हम उसकी एक्सटेंशन ऐसे दे देंगे। एच रेफरेंस दे दिया, रिलेशन आपको जिसका स्टाइल शीट देना पड़ेगा, उसके बाद लिंक टैग को क्लोज कर देना, बस और कुछ नहीं करना। तो बाकी हमारा एच वन, जो भी हमने एच वन पे क्या दे रखा है, हमने एच वन पे दे रखा है नेवी, इस पे नेवी, नेवी जो इसका कंटेंट का कलर कौन सा हो जाएगा, नेवी हो जाएगा। और उसका जो पैराग्राफ है इस पे हमने कोई टैग नहीं दे रखा, कोई भी सी एस एस अप्लाई नहीं कर रखी, ठीक है। तो बैकग्राउंड इसका क्या होता है, बैकग्राउंड इसका होगा लाइट ब्लू। चलो इसकी आउटपुट देखते हैं, ये एक्सटर्नल, ठीक है, देखो इसकी जो बैकग्राउंड है वो लाइट ब्लू है, ठीक है, और जो इसका एच वन का कलर है वो हमारा कौन सा है, नेवी ब्लू, ठीक है, नेवी है इसका। देख लेते हैं क्या दे रखा है हमने, ठीक है, जो कलर नेवी दे रखा है एच वन का, उसका लाइट ब्लू दे रखा है, ठीक है, ये हमारा लाइट ब्लू आ रहा है, ठीक है, जो बैकग्राउंड आ रहा है एच वन का, तो जो जे हमारा जो एच वन का है जे हमारा है नेवी। अब हम देखते हैं, हम एच वन हम देते हैं कलर पी टैग को, देखिए पी टैग को कलर दे पाते हैं कि नहीं। तो हमने पी को बॉडी, जिसको बोलते हैं बॉडी, ठीक है, इस बॉडी स्टार्ट कर दीजिए और बॉडी क्लोज कर दीजिए, बात ध्यान रखना कि बॉडी में बॉडी ही देनी पड़ेगी, तो जहाँ पी देना पड़ेगा, ठीक है, तो पी बस कुछ नहीं, कलर सी ओ एल ओ आर कलर, तो जहाँ पे क्या देना है, कॉलन देना है, इक्वल टू नहीं देना, बस ये भी बात का ध्यान रखना कि एचटीएमएल में हम इक्वल टू देते थे, पर जहां पे क्या देखना, कॉलन देना, ठीक है, जहां पे रेड कर देते हैं रेड सेमी कॉलन, ठीक है। तो ये देखो हमने सेमी कॉलन दे दिया और उसके बाद हमने इसको रीलोड करना है, देखो रीलोड हो रहा है कि नहीं, इसको सेव कर लिया, इसको सेव कर लिया हमने, ठीक है, हम इसको रीलोड करते हैं, ये देखो इसका रेड हो गया, क्योंकि वो सीएसएस प्रॉपर्टी इस पे जो सीएसएस हमारी अप्लाई करनी थी वो पैराग्राफ पे अप्लाई हो गई, तो हमने पी टैग को कलर को रेड कर दिया, वो इस पे इंप्लीमेंट हो गई, क्योंकि इस पे हम सीएसएस को हमने ऐड कर रखा है। इस तरह आप एक सीएसएस बना के जितनी मर्जी एचटीएमएल फाइल में उसको ऐड कर सकते हो, आपको बार बार चेंजेस नहीं करनी पड़ती। एक बार सीएसएस को बना लो, उसको बार बार ऐड करी जाओ, ठीक है, एक बना के रखो, जितने मर्जी प्रोग्राम में ऐड करी जाओ, कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो था हमारा सीएसएस का प्रोग्राम जो हमने नई लिस्ट स्टार्ट की है, ठीक है, एक फर्स्ट वीडियो थी। आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रोग्राम करने में प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज़ में कोई भी दिक्कत आ रही हो, प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो जहाँ को आपको आने, और बेल के आइकन पर जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।